यार काम नहीं कर रहे थे सर, थोड़े खुले हो जाओ यार, प्लीज प्लीज। और मैं अभी भी ये कह रहा था कि वो लोग जो कल तक हमारा मजाक करते थे, हमें ढंडा झंडा पार्टी कहते थे, आज वो हमारा झंडा उठाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और जिनको मौका नहीं मिल रहा वो इसलिए परेशान है। और दूसरी बात ये कि मोदी जी के आने के बाद बरसों से चला आ रहा भेदभाव जो क्षेत्र से होता था उसकी भरपाई हुई है, और आज जो लोग उसकी शिकायत कर रहे हैं ये वही लोग हैं जो 40-50 वर्षों तक सत्ता में रहे। विधायक भी ये, सांसद भी ये, MP भी ये, कारण है कि आज वो नेता जो कल तक हमारे आलोचक थे आज वो भारतीय जनता पार्टी का दामन फाड़ करके चलने को तैयार है, क्योंकि उनको लगता है कि यदि उनका राजनीतिक भविष्य कहीं संभव है तो वो भी इसी संगठन। सर, कोविड वैक्सीन को लेकर भारत जो है पूरी दुनिया में अग्रणी हो गया है, 15 से 18 साल की उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन को तैयार करना सबसे पहले कि जो कोविड के खिलाफ युद्ध में जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से अगुवाई की, हर चीज़ में पहल की, उसका उदाहरण आज विश्व भर में दिया जाता था। भारत वो देश है जहां उस समय लॉकआउट की घोषणा हुई थी 2020 मार्च के लगभग, जब बाकी देशों में ये प्रश्न चिन्ह लगाया जाता था कि लॉकडाउन क्यों हो, लेकिन अब हमें समझ आता है कि मोदी जी ने हमें इसके माध्यम से शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य किया, और यही कारण है कि 135 करोड़ का देश उस जिस मात्रा में ये महामारी अपना प्रकोप दिखा सकती थी उससे बचा रहा। वो देश जहां कभी किसी समय में वैक्सीन नहीं था, आज एक नहीं तीन तीन वैक्सीन उपलब्ध है, और हम दूसरे देशों को वैक्सीन उपलब्ध करवा रहे हैं। जहां PPE किट का अभाव था, आज PPE किट इन सरप्लस रीयूजेबल मात्रा में आ रही है। तो मुझे लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जो कोविड के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, इसने भारतवर्ष को दुनिया के प्रथम श्रेणी के देशों में ला करके खड़ा कर दिया। 15 से 18 साल की जो वैक्सीन आ रही है उसके बाद कितना बदलाव आने वाला है? निश्चय ही, क्योंकि जैसे मोदी जी ने अपने संबोधन में कल भी कहा था कि प्रत्येक निर्णय वैज्ञानिक आधार पर लिया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव रैशनल के आधार पर लिया जा रहा है। आपको याद होगा प्रारंभ में भी जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ था तो सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स और वॉरियर्स को दिया गया था, मोदी जी ने स्वयं भी अपना वैक्सीन बाद में लिया जब उस एज ग्रुप का वैक्सीन शुरू हुआ था। तो ये एक ऐसी सरकार है जो जिस चीज़ की जहां आवश्यकता है, जितनी मात्रा में आवश्यकता है, वहां पहले पूर्ति करती है, और इसीलिए मोदी जी की हर निर्णय पर जनता को विश्वास है और मोदी जी को भारत की जनता पर विश्वास है। गुलाम नबी आजाद का एक बयान सामने, जिसमें उन्होंने कहा है कि वर्तमान सरकार से जो राजा महाराजाओं का दौर था काफी बेहतर था, क्या कहेंगे? मुझे ये सवाल समझ नहीं आया। सर, उन्होंने कहा कि जो वर्तमान सरकार से उसका जो दौर था तब महाराजाओं का वो अच्छा, तो बेहतर। क्या वो चाहते हैं कि लोकतंत्र हो के ना हो, मूल प्रश्न तो ये है। सर, विपक्षी दल लगातार जम्मू कश्मीर राज्य की मांग कर रहा है दोबारा से। गृह मंत्री जी ने एक बार नहीं अनेकों बार कहा कि उचित समय पर केंद्र शासित प्रदेश को पुनः राज्य का दर्जा